भरतपुर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है। इस दौरान विभाग की टीम ने आरोपी नरेश खत्री की ओर से मरीजों को भर्ती करने वाली जगह को सीज किया है। लॉकडाउन के दौरान लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो कि वैध डिग्री मेडिकल की नहीं रखते हैं, उनके द्वारा भी पेशेंट्स को देखा जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। तो इस तरह की सूचनाएं मिलने पर जो डिप्टी सी एम है जो भरतपुर और ड्रग इंस्पेक्टर, उनको मेरे द्वारा निश्चित किया गया था कि जाँच करें और ऐसा कोई केस पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करें। उनके जाँच में पाया गया कि मिस्टर नरेश खत्री कोतवाली के पास में उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी। डिग्री ना होने के बावजूद उनके द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सामने वार्ड बनाया हुआ है और उसमें उन पेशेंट को भर्ती किया हुआ है। उस सूचना पर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा इस वार्ड को सील कर दिया गया है और उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अपनी जाँच करके अग्रिम कार्रवाई